से विद निकम आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लॉग। अभी मैं सुबह उठी हूँ, टाइम हो रहा है 6:45 और आज मेरे यहाँ है रुद्राभिषेक। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग टी, आप सब लोग भी आइए, एंजॉय करिए मेरे साथ टीका। और के बाद जैसा जैसा होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले चाय पीती हूँ, फिर मैं तैयारी करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम रुद्राभिषेक के लिए शंकर जी का जो फेस होता है उसको रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिए कॉटन, और ये जो क्रिस्टल वाली जो आती है शीट्स, वो मैंने एक लिए गोल्डन कलर की और एक लिए रेड, जो आप देख सकते हैं एक यू शेप में और एक वी शेप में काट के मैंने इनका अच्छा सा एक तिलक प्रिपेयर किया है। और किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बता दूंगी। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं केवल आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे क्या होता है, कैसे हमें कॉटन प्रिपेयर करनी है, वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज मेरे पास इतना समय नहीं था। ये देखिए मैंने इनके अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने आप भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल इस पर वीडियो किसी दिन बनाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी। ये देखिए आईब्रोज़ लगा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद इनकी मैंने नोज इस तरीके से कट की है, जो हम एकदम सेंटर में ही लगाएंगे। आपने देखा होगा हम लोगों की भी नोज जो है वो एवरो के ही बीच से निकलती है। तो ये देखिए मैंने इनकी नोज अच्छे से सेट कर दी है। उसके बाद अब हम इनके लगाएंगे नेत्र। और ये देखिए मैंने नेत्र, ये सब मैंने खुद ही मतलब रेडी किए हैं, कुछ भी इसमें रेडीमेड मैंने नहीं लिया है, सब कुछ मैंने खुद ही बनाया है जैसा भी मुझे आता है थोड़ा बहुत। ये देखिए हमारे शिव जी के नेत्र अच्छे से मैंने इनको, ये देखिए आप, अच्छे से सेट कर दिया है। और अब इसके बाद हम इनकी लगाएंगे मूंछ। ये हमारे शिव जी की मूंछ है, और ना इनको हम लोग महाकाल का रूप दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने मूंछ लगाई है। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप लगाइएगा, नहीं हो तो नहीं। उसके बाद इनके लिप लगा दिए हैं हमने, देखिए लिप लग गए हैं इनके। और इसके बाद आप देख रहे हैं ना मेरे शिव जी का फेस कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा रेडी हो गया है। और इसके बाद ये थोड़ा मुझे कम अच्छा लग रहा था, तो साइड से मैंने ये विड्स आते हैं रेडीमेड, ये मैंने लेकर इनकी आउटलाइन, इनके पूरे जो इनका तिलक मैंने तैयार किया था उस पर लगा दी है। देखिए डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको कैसा करना कैसा नहीं। फिलहाल मैं आप फिर किसी वीडियो में डिटेल से अच्छे से शिव जी आपको बनाना बताऊँगी। और ये बीच में खाली खाली लग रहा, तो एक बीट मैंने बीच और लगा दिया। फ्रेंड्स ये बताइएगा जरूर मेरे शिव जी कैसे लगे। हमारे शिव जी पूरे तैयार हो चुके हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए पूजा की सामग्री, लगभग ऑलमोस्ट पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। तो ये 5 फल हैं जो पंडित जी ने बताए थे, ये शिव जी के वस्त्र हैं, ये पार्वती जी के श्रृंगार का सामान है, उनका लहंगा है, और ये वरमाला है जो कि शिव जी पार्वती को पहनाई जाएगी, ये मुकुट है, और ये शिव जी का बागंबर जो आता है वो है। और उसके अलावा ये देखिए जनेऊ है, ये चंदन है, इसमें घी है, और इसमें कुछ साप्त धान पंडित जी ने बताए थे, ये पान है, और ये माचिस और कलाबा, और ये कॉटन है, नारियल है, बाकी ये पंचमेवा हैं, ये अखंड दीपक है। और उसके अलावा ये देखिए वही चंदन बंदन रोली, बाकी जो भी सामान पर्चा के अकॉर्डिंग पंडित जी ने बताया था वो है। ये सारी रुद्राभिषेक की सामग्री है जो कि मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की, और शायद मेरी प्रिपरेशन आपको अच्छी भी लगी होगी। ये 5 मेवा हैं, सॉरी 5 मिठाई हैं, वो दीपक की थाली थी, और ये कुछ बर्तन हैं जो एक्स्ट्रा हैं जो पंडित जी ने लिखे थे कि इतने पहुँचने चाहिए। इसमें सुहाग की सामग्री है सारी श्रृंगार वाली, और ये शिव जी के लिए एक फूल की माला है जो वरमाला के ही रूप में होगी। कमल के फूल हैं, ये मंदार के पुष्प हैं, और ये बेला की लड़ियां हैं जो वहाँ सजावट के लिए ज़रूरत होंगी। ये कुछ फूल हैं, और उसके अलावा यही भांग धतूरा है जो भी हमारे शिव जी को प्रिय होता है ना, वो सब जितना कर पाई हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अपना अपना श्रद्धा भाव होता है कि हम लोग ये धतूरे थे। और ये कुछ ऐसी 8-9 मालाएं हैं जो कि वहाँ जो भी देवी देवता हैं उनके लिए, और ये पंचामृत है। हमको पहले नौ की जरूरत पड़ता है।
सपरिवाराय नमः। भोजनार्थे नैवेद्यं निवेदयामि। अरे देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं उन अक्त लोभी प्रेम का हृदय दिखाने आया हूँ, जो कुछ भी है पास यही बस इसे चढ़ाने आया हूँ। चरणों में है अर्पित यह सब, चाहो तो स्वीकार करो, यह भी वस्तु आपके दी है, ठुकराओ चाहे प्यार करो। ओम ना व्यासी अंदर जवं शिष्णोदय हो समर्थाव्या मोमर्चा श्रोता था लोकांग अकल्पेन्ना नैवेद्यम निवेदयामि। जल छोड़िए, मध्य मध्य पानी मुद्रा पोष्टम जलम समर्पयामि। आप भी छोड़िए जल। ओम मुख सर्वी मुद्रा प्रदर्शित अमृते कृत्य मध्य मध्य पानीयम तदुप्रांत क्रोधनार्थे चंदन लीजिए, उंगली से करके वैसे करो दर्तन कीजिए। जल आधार तुम कर दो न भोले पार तुम, कर मणों से पाप यदि हमने किए, आए शरण हम पति की शुद्धि नहीं अब तक लियो, अब तो तुम्हारे हाथ गिरिजा पति मेरी गति। जय पशुपति जय पशुपति जय पशुपति। फ्रेंड्स, अब सारा काम निपट चुका है और रात का लगभग 1:45 बज रहा है। अब बस मैं चाय पीऊँगी और फलहार मैंने कुछ अपने लिए बनाया नहीं है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही बस ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी, खा के सो जाऊँगी। मॉर्निंग में उठती हूँ, कल आपके साथ फिर एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें होंगी रक्षाबंधन स्पेशल कुर्तियाँ, रक्षाबंधन स्पेशल थाली और कैसे कैसे मैं पूरे दिन करूंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ किसी नॉन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।